नमस्कार, मैं हूं राजकुमार। आप देख रहे हैं आरके मीडिया न्यूज चैनल। ये हमारी खास रिपोर्ट सुरेश शर्मा हीरानगर से। आपको बता दूं कि हीरानगर के दमयाल में आज खजूरिया बिरादरी की मेल हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने माता चिरागू के यहां माता चिरागू का आशीर्वाद दिया, जिससे गणमान्य लोग भी पधारे। पैंथर्स पार्टी के नेता मन कोटिया ने माता चिरागू के देव स्थान पर आकर माथा टेका और माता चिरागू जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। दमयाल में माता चिरागू की मेल लगभग 50 सालों से दमयाल वासी आसपास के गांव के लोग यहाँ पर माँ की और बेटे का जोड़ देते हैं। हाँ, केवल 10 साल से कम उम्र का होना चाहिए। देखिए, हमें यहाँ पहली बार माता चिरागू के मंदिर में आने का मौका मिला और ये माता चिरागू का मंदिर दमयाल गांव हीरानगर में पड़ता है और यहाँ हर साल यहाँ जो वार्षिक मेल होती है यहाँ पे लगभग पूरा हीरानगर तहसील और बगल में हमारा सांबा डिस्ट्रिक्ट है, कठुआ से है, सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में, मैं कहूँगा कि लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, यहाँ मंदिर में मत्था टेकते हैं और जो मेल है यहाँ इस मौके पे एक बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है और मैं समझता हूँ कि ये शायद इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा मेला होगा। तो इस मौके पे हम यही कहना चाहेंगे कि माता चिरागू के मंदिर में हम यही मत्था टेकना चाहेंगे कि माता हीरानगर के सभी लोगों की मनोकामना पूरी हो, जो यहाँ पे आए यहाँ आपके दरबार में मत्था टेका, जो नहीं भी आ पाए उनके भी मनोकामना आप पूरी करें। तो इस मौके पे मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत बेहतरीन जो है यहाँ मेल होती है और मेला होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन हम इस मौके पे ये भी कहना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से जो सुविधाएँ यहाँ पे होनी चाहिए थे उसकी तरफ सरकार का ध्यान कम है। हम सरकार को कहना चाहेंगे कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ की बहुत प्रॉब्लम है, इवन के रोड जो है ये डबल वाइडनिंग होनी चाहिए। अभी देखा हमने कि यहाँ सैकड़ों हमारे माताएँ बहनें छोटे बच्चे जाम में फंसे हैं, पैदल चलने का रास्ता नहीं है, तो कम से कम यहाँ तक वाइडनिंग इसकी हो जाए, चौड़ा हो जाए और बाकी ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे इस एरिया में हो जाएँ ताकि पूरे वर्ष यहाँ श्रद्धालु चलते रहें और यहाँ टूरिज़्म का फ्लो बढ़े और लोगों को टूरिज़्म के लिहाज से यहाँ पे अलग अलग बिजनेस करने का मौका मिले और बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी। हम सरकार को यही कहना चाहेंगे कि इसको एज ए टूरिस्ट स्पॉट डेवलप किया जाए ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए और वर्ष के पूरे हर दिन यहाँ पे टूरिस्ट आएँ, ये हम कहना चाहेंगे। उस लेवल पर इसको डेवलप किया जाए।